जय हिंद जय भारत। मैं करीम लिमरा टाइम से। आज हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में। एनआरसी में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आग जैसी फैला हुआ है। एनआरसी हर किसी की जुबान पर एनआरसी है। आज हम उसके बारे में बात करते हैं और आरएसएस आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एनआरसी आया क्यों और ये कश्मीर का मुद्दा छेड़ा क्यों गया, तो इसकी मेन वजह है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी। तो आज हम इस पे इस डिटेल पे बात करते हैं। एक्चुअली एनआरसी जो है ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए एनआरसी को लाया गया। एनआरसी की वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान को परेशान कर मुसलमान को नॉन सिटीजन साबित करने के लिए एनआरसी को लाया गया। आज हम पूरी तरह समझते हैं कि आरएसएस की डिटेल आइडियोलॉजी और इनका जो मैकेनिज्म है ये कैसा चलता है, और इनकी इनका जो गोलवालकर की जो किताब है वो किताब से इनको क्या ऑर्डर मिल रहा है और ये क्या करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। हम एनआरसी और कश्मीर दोनों मुद्दे अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है। तो ये इन लोग का डे वन से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि किसी हाल पे मुसलमान को इस देश को मुस्लिम फ्री भारत बनाया जाए और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का स्थापना किया जाए। इसके वजह से ये एनआरसी भी क्रिएट किया गया और ये कश्मीर मुद्दा भी छेड़ा गया है। 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, मतलब नॉन सिटीजन साबित किए गए, जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको नॉन इंडियन सिटीजन साबित किया गया। इनको एक अलग सेंटर में रखा गया। वो सेंटर 46 करोड़ रुपीज़ देकर ये सेंटर को बनाया गया। पिछले हफ्ते ये बनाया गया ताकि इन लोग को यहाँ पे रखा जाए, और साथ ही साथ में उसमें 25 लोग की मौत हो गई। जो सेंटर में रखे गए हैं 19 लाख लोग, उनके बीच में 25 लोग की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मतलब जो कैंप है वो कैंप के जरिए से कहीं ना कहीं मौतें बढ़ रही है, क्योंकि ओवर क्राउडेड की वजह से ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब और मतलब फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान होकर ये मौत हो रहे हैं। अभी हम आपको अमित शाह का एक बयान सुनाते हैं, वो बयान सुन लीजिए, क्योंकि वो बयान में अमित शाह ने एकदम क्लियरली लफ्जों में कहा है कि हिंदू क्रिश्चियन ईसाई जैन बुद्ध ये सब किसी हाल में जो आउटसाइडर्स रहते हैं तो भी हिंदुस्तान में उनके लिए जगह है। उन्होंने इस स्टेटमेंट में एकदम क्लियर मेंशन किया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को इस देश में जगह नहीं है। तो उन्होंने सब धर्म का नाम लिया लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। तो इसी में से आपको सीधा सीधा ये पता चलता है कि अमित शाह के दिमाग में क्या है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापिस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। ममता दी, भ्रांति फैलाना बंद करो। कहां जाएंगे मेरे शरणार्थी भाई? शरणार्थी भाइयों को यहां रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और आरएसएस एक मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी है। आरएसएस के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा, उसके बावजूद भी मैं ये बताने की कोशिश करने वाला हूं कि कहीं ना कहीं आरएसएस का टारगेट है मुस्लिम फ्री भारत बनाया जाए। तो आरएसएस मेनली फोकस्ड है कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को इस देश से बाहर किया जाए या फिर इस देश से कहीं ना कहीं इनको निकाला जाए। जैसे पता होगा आपको, बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का। जिस तरह आरएसएस सोचती है उसी तरह बीजेपी भी सोचती है और उसी ऑर्डर को फॉलो करती है बीजेपी। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है जो एट प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, ये आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं और ये वही करते हैं जो आरएसएस का ऑर्डर होता है। गोलवालकर हिटलर के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। अब हिटलर को आइकॉन मानते हैं क्योंकि हिटलर ने यहूदियों के साथ वही किया जो अभी एनआरसी के नाम पर ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो गोलवालकर हमेशा हिटलर की तारीफ में दिखे, हिटलर की ताहिद में दिखे। हिटलर ने जो यहूदियों के साथ में किया वही रास्ते को फॉलो करते हैं और मुसलमान के साथ में वही हालत करने की कोशिश की जा रही है, गोलवालकर का ये कहना। एनआरसी डेटा में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि फैमिली के चार मेंबर है, चार मेंबर को सिटीजनशिप दिया गया है, बाकी दो चार मेंबर में से दो मेंबर को सिटीजनशिप दिया गया, दो मेंबर को नॉन सिटीजन साबित किया गया। ये कैसा हो सकता है? मतलब कहीं ना कहीं पूरा फैमिली नॉन सिटीजन होना चाहिए या फिर पूरा फैमिली सिटीजन होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं ये एनआरसी डेटा के बारे में ये खुलासा एक्सपोज हो रहा है कि दो मेंबर को एनआरसी में डेटा में सिटीजनशिप बताया जा रहा है और दो मेंबर को नॉन सिटीजनशिप बताया जा रहा है। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट है
कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाए, जो डे वन से 2014 से ये चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही नाम पे बीजेपी ने काफी वोट लिए और अभी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र बनाने की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक धर्म के लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, जिनको रहने नहीं दिया जा रहा है, और कुछ धर्म के लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पे रह रहे हैं। आरएसएस की किताब में कहीं ना कहीं ये मेंशन किया है कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहिए। इनके तीन दुश्मन है, एक मुसलमान, एक कम्युनिस्ट और एक क्रिश्चियन। तो पहले ये मुसलमान को टारगेट करेंगे, उसके बाद में कम्युनिस्ट को टारगेट करेंगे, उसके बाद में क्रिश्चियन को टारगेट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों ही इसके बड़े दुश्मन है। तो उसके वजह से अभी मुसलमान जो हिंदुस्तान में परेशान है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि आरएसएस की किताब में ऐसा दिया गया है, उसको जो बीजेपी सरकार है वो उसको फॉलो कर। अभी हम बात करेंगे गोलवालकर की किताब, बी अवर नेशन वुड डिफाइन, ये किताब है गोलवालकर ने लिखी है। इसके अंदर पे गोलवालकर ने अपनी जुबानी कुछ बातें बताई है, कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं। जर्मन राष्ट्रीय गौरव चर्चा का विषय बन गया है। अपने राष्ट्र और संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों का सफाया करके पूरे विश्व को चुंगा दिया है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय गौरव अभिव्यक्त हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखला दिया है कि बुनियादी रूप से भिन्न जातियों और संस्कृतियों के लिए एकीकृत इकाई के रूप में समाहित होना असंभव है। हम हिंदुस्तानी इससे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और लाभान्वित। अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठाना जरूरी है कि कैसे इन प्राचीन राष्ट्रों ने अपनी अल्पसंख्यक समस्या का निपटारा किया। वे अपने राज्य में किसी भी भिन्न मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहे। प्रवासियों को प्राकृतिक तौर पर जनसंख्या के मुख्य भाग में अर्थात राष्ट्रीय नस्ल में अपने आप को समाहित करना होता है। उनकी संस्कृति, भाषा और महत्वाकांक्षा को स्वीकार करते हुए, अपने अलग अस्तित्व की भावना को त्यागते हुए, अपने विदेशी मूल के होने को भूलते हुए, अगर वे ऐसा नहीं करते तो वो केवल विदेशियों की तरह रह सकते हैं। राष्ट्र के तमाम बंधनों और नियमों में बंधते हुए, राष्ट्र को सहन करते हुए, किसी भी विशेष सुरक्षा के ही नहीं बल्कि किसी भी अधिकार की सुविधा के हकदार न होकर, ऐसे विदेशी तत्वों के लिए सिर्फ दो रास्ते खुले हैं। या तो राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह खुल जाएं, या इसकी संस्कृति को स्वीकार कर लें, या राष्ट्रीय नस्ल के रहमो करम पर देश में रहें जब तक राष्ट्रीय नस्ल इजाजत देती है, और अगर राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा हो तो देश छोड़कर चले जाएं। यही एकमात्र तार्किक और उचित समाधान है। केवल इसी तरह राष्ट्रीय जीवन स्वस्थ है और बिना परेशानी के चल सकता है। ऐसा करके राष्ट्र की राजनीति में कैंसर की तरह पनप रहे एक राज्य के भीतर दूसरे राज्य के पैदा होने के खतरे से बचा जा सकता। जिस तरह ये हुकूमत आई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो अभी विश्वास तो दिख रहा है कि विश्वास की जगह पे विश्वासघात दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने के लिए ये बीजेपी का एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी, एक मैकेनिज्म है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी परेशान होकर ये देश छोड़ दे या फिर कुछ अलग हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान देश से बाहर हो जाए। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के हिसाब से जो एनआरसी आसाम में जो एनआरसी डेटा, एनआरसी का जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, डेटा को रीवेरीफाई किया जा रहा है, वहां पे जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ने पेश किया है, हिंदू ने ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट शो किया है। तो मतलब सीधा सीधा बात यहाँ पे आ जाती है कि कहीं ना कहीं हिंदू भी इसमें परेशान है जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में मजबूर है, और इनके वजह से मुसलमान को टारगेट के वजह से कुछ हिंदू भाई लोग भी परेशान है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानी बढ़ रही है। और साथ ही साथ में मतलब अभी ये बताया जा रहा है कि ये आसाम से दिल्ली होगा, दिल्ली से हिंदुस्तान के हर कोने पे होगा, लेकिन ऐसा होने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नुकसान है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान है, और जो पिछले वर्ग है जैसा दलित, बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म, जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना छत होता है ना खाने का खाना होता है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से जमा करेंगे। तो इसके वजह से इसको अपोज करने का एक ही तरीका है कि इसको एक प्रोटेस्ट लेकर इसको अपोज किया जाए, और ये आइडियोलॉजी को सख्त प्रोटेस्ट करके अपोज किया जाए, ताकि हिंदुस्तान जो एकदम पीसफुल कंट्री है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक बराबर माना जाता है, लेकिन वहां पे यहाँ पे ऐसा शो किया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी काफी डेंजर है, ये टेररिज्म एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहती है, तो इसके वजह से इनको मना किया जाए, इनको देश से बाहर किया। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।